मुरीद झोला लेके गुस्सा में खड़ा, गाड़ी गई कि पीर साहब की आंख खुल गई। अब पीर साहब की आंख खुली तो देखा कि गुस्सा में खड़ा। सब उन्हीं के दामन में है, किसी न किसी पीर से मुरीद होंगे ना। मुरीद है कि नहीं है? कितने लोग मुरीद है जरा हाथ उठाई। वो लोग कहाँ से आए? बाहर से आए क्या? अच्छा, एक तो हम आपके देश में बाहर से आए। अच्छा मुरीद, ये गौसे पाक सारे पीरों के पीर हैं। किसके पीर हैं? सारे पीरों के पीर। और जब मेरा पीर पावरफुल हो सकता है तो सारे पीरों का पीर कितना पावरफुल हो सकता है। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप। जब गौसे पाक का जिक्र हो गया तो ख्वाजा पाक का जिक्र भी जरूरी। अच्छा लग रहा है आपको कि संस्कृत सुनावा कि ये अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना सारे लोगों को ना। आइए चलते हैं फतेहपुर, एक करामत और सुना दे। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है? नहीं ठोक रहे? बंद कीजिए ना तो फरिश्ता भी ठोकेगा। स्टेज पर बैठे हुए हैं, खैनी ठोक रहे हैं। सुन्नत रसूल पाक का ये स्टेज है, रसूल पाक की आमद हो गई है, फरिश्ते आ गए हैं। अभी 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 ये जुलूस निकला ना, जुलूस रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला था। हाँ मैं गया था जुलूस में, एक जगह है ना जुलूस में मुझको तकरीर करनी थी, दावत थी हमारी। तो जब जुलूस में जा रहे थे तो सब बोले कौ सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा। सारे बच्चे नारा लगा रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी बीच में ठूक रहा। हम बोले चचा खूब अच्छा से लगाओ, फरिश्ता भी लगाएगा, है ना। यहाँ पर सब दुरूद पढ़ रहे हैं, आप खैनी लगा रहे हो, है ना। अच्छा खैनी लगाने की बात भी अजब है, जिसको इसकी आदत होती है ना वो अंधेरा में उठ के भी खैनी लगाएगा, है ना। वो अंधेरा में भी सूत के उठेगा ना तो लाइन बत्ती नहीं चलाएगा, उसके मुंह से सुबहानला नहीं निकलेगा, चिनौटी निकलेगा। चिनौटी समझते हैं? लेके खैनी ठोक रहा है ना। खैर अल्लाह ताला हम सबों को महफूज फरमाए, कह दीजिए आमीन। अच्छा जाइए, कोई दिक्कत है? सब लोगों को ठीक है? जरा हाथ उठा के बताए कितने लोग जिंदा है। सब लोग जिंदा है। एक एक चचा हाथ नहीं उठा रहे तो भी जल्दी से उठा लिए। बूढ़े लोगों की हालत बड़ी अच्छी है। एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता। एक बूढ़ा खड़ा होगा, मौलाना फिर से बोलो। हमने कहा कि जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता। कहा ठीक से बोलिए, अजान हम देते हैं, अजान हम देते हैं, जवान जाएगा जन्नत में, हम ही अजान देते हैं। हमने कहा चचा जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि गुलामाने मोहम्मद पे बुढ़ापा आ नहीं सकता। अगर हमारे चचा अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो सुनिए, अगर जन्नत में जाने की टिकट मिल जाएगी ना तो जवान होके जाइएगा। कैसे जाइएगा? और बेटा भी जवान और बाप भी जवान, क्या बात है। बाप बेटा सब जवान होगा, आहा क्या मजा आएगा। लेकिन काम वैसा होगा तब ना। एक खाली सपना देखिएगा कि काम भी कुछ करिएगा। कल से नमाज पढ़िएगा ना? हाँ पढ़िए इंशाल्लाह। बात आ गई थी हजरत ख्वाजा पाक की। जानते हैं ख्वाजा पाक को? कहाँ है आपका मजार? सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैंने मौजू चेंज कर दिया। आप बहुत अच्छा जलसा सुन रहे हैं और मुझे ऐसा लग गया कि आप वलियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप मखदूम पाक से बड़ी मोहब्बत करते हैं, पंडावा शरीफ से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हाँ हाँ, हम समझ गए आपको है। फतेहपुर सिकरी चलते हैं, जानते हैं फतेहपुर सिकरी? जानते हैं? ये यूपी में एक जगह है फतेहपुर सिकरी। गौर से सुनना, देखिए पीर कैसा हो और मुरीद कैसा हो, है ना। अभी पीर भी डुप्लीकेट और मुरीद भी डुप्लीकेट, है ना। बहुत कम पीर ओरिजिनल है,
जी ऐसा ऐसा पीर है मार्केट में साहब, जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है और 1000 दाने की तस्बीह लिए हुआ है। 100 वाली नहीं, 1000। मुरीद बोलता है हजरत पहुंचा हुआ है। कहाँ पहुंचा हुआ है, जन्नत में कि जहन्नम में? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। एक गांव में एक पीर साहब पहुंचा है, एक गांव में एक पीर साहब पहुंचा। जब मुरीद सवाए बात करे तो हाँ ठीक है हजरत, खैरियत खैरियत खैरियत, ठीक है। हाँ बोले ठीक है। अब बात करते बोलते फक फक फक, तो मुरीद सब घबरा जाए। फिर बात करते करते फक फक, तो उसमें एक पढ़ा लिखा अकलमंद आदमी पहुंचा हुआ था। बोले हजरत ये भक भक क्या कर रहे हैं? बोले भक चुप, मक्का शरीफ में कुत्ता जा रहा तो उसको भगा रहे थे। तो वो पढ़ा लिखा था, अकलमंद था, है। बोला कि ओ ये तो पागल है। कहा हुजूर कल हमारे यहाँ खाने की दावत। बोला कल फ्री नहीं है। कहा परसों। कहा फ्री नहीं है। कहा जुमा को। कहा ठीक, खाने की दावत किया है ना, समझ रहे हैं? अच्छी पा जानते हैं, प्लेट प्लेट। तो प्लेट में अंदर गोश्त रख दिया और ऊपर से सूखा सूखा भात रख दिया और दस्तरखान पे पेश कर दिया। कहा हुजूर खाया जाए, लेकिन हजरत गोश्त का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन गोश्त उसी में था। और पढ़ा लिखा अकलमंद समझदार का हुजूर शुरू किया जाए। तो बोले रे ये मेहमान नवाजी का तरीका है, नहीं गोश्त हुआ तो कम से कम दाल ही पकवा लेना चाहिए। कहा हुजूर शुरू किया जाए। बोला कुछ तो लाओ। कान पकड़ा पीर साहब का। बोला मक्का का कुत्ता नजर आता है, प्लेट में गोश्त नहीं दिखाई देता है, पागल? सही जवाब था कि नहीं सही जवाब था? है पीर हो तो गौ से पाक जैसा, पीर हो तो खा जाए पाक जैसा। सुन लो, पीर किसे कहते हैं और मुरीद कैसा होता है। आज का मुरीद भी डुप्लीकेट है। फतेहपुर सिकरी में अल्लाह के वली रहते हैं, उनका मजार है। उनका एक मुरीद था गौ से, फतेहपुर सिकरी में जो अल्लाह के वली लेते हैं उनका एक मुरीद, गौर से सुना है दोस्त, गौर से। एक मुरीद था, पहुंचा अपने पीर की बारगाह में, कहा सलाम अलैकुम। पीर साहब ने कहा वालेकुम सलाम। कहा बेटा कैसे आना हुआ, गौर से सुनना, उठना कोई नहीं, सुन के जाना। कहा बेटा कैसे आना हुआ? कहा सरकार, अपने पीर से कह रहा मुस्कुरा के, सरकार अजमेर जाना चाहता हूँ, इजाजत है? पीर साहब ने कहा कि जाओ अगले साल जाएगा, इस साल मत जाओ। तो मुरीद था पीर की बात मान गया, चला गया। अगले साल फिर आया, कहा सरकार अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ। तो बोले अगले साल जाना। मुरीद फिर चला गया। तीसरे साल फिर आया, कहा सरकार अजमेर का महीना आ गया। कहा क्या मतलब? कहा सारे लोग अजमेर जा रहे हैं। कहा क्या कहना क्या चाहते हो? कहा हम भी जाना चाहते हैं। कहा अगले साल जाना। मुरीद को थोड़ा गुस्सा आ गया। कहा हजरत अजमेर शरीफ से आपको कोई दिक्कत है? पीर साहब बोले रहे हमको कहा दिक्कत रहेगी। तो बोले 3 साल से अगले साल जाना, अगले साल जाना, क्या मतलब? कहा बात पीर से मुरीद होके जबान लगाता है, जाओ अगले साल जाना। चौथे साल फिर आया, आया तो टिकट कटा के आया, टिकट कटा के आया। कहा अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब वालेकुम सलाम। कहा बेटा आ गया? कहा हाँ। कहा अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं? कहा अगले साल जाना। कहा है मूड मत खराब कीजिए, टिकट लेके आए हैं, हम इस साल नहीं रुकेंगे। कहा कि इस साल नहीं रुकोगे? कहा नहीं। अब गौर से सुनो मुरीद और पीर का वाकया। कहा नहीं रुकोगे? कहा नहीं। कहा मैं चाह रहा था कि तुम अगले साल जाता। कहा कोई अगले साल नहीं, 4 साल हो गया, टिकट लेके आए हैं, जाएंगे कल। बोले कब जाओगे? बोला फजर के नमाज के बाद इसी गांव की मस्जिद से गाड़ी खुलेगी, बस उसी में बैठेंगे और हम अजमेर चले जाएंगे। जरा जोर से कहिए सुभान। देखिए पीर किसे कहते हैं और मुरीद किसे कहते हैं। कहा बेटा जा, अजमेर जाएगा तो सो जाओ, सुबह में फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना। क्या कहा? मेरे पीछे नमाज पढ़ना और मुझसे इजाजत लेके अजमेर जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ठीक है,
मुरीद गया, रात को सो गया, फजर की नमाज में उठा, पीर साहब ने अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ लिया उसके पीछे, और जैसे ही नमाज ख़त्म हो गई कि गाड़ी आ गई। क्या आ गई? गाड़ी आ गई। अब पीर साहब आंख बंद करके तस्बीह पढ़ने लगे। अब मुरीद घबरा गया कि गाड़ी खड़ी है, पीर साहब की आंख बंद है, हम कैसे जाएं? पूछ के जाना था ना, इजाज़त लेके जाना था ना, कि क्या करें हम? लेके झोला अंदर बाहर अंदर बाहर लेके झोला। ड्राइवर साहब थोड़ा रुको, मेरे पीर का वजीफा खत्म हो रहा है। ड्राइवर बोला नहीं रुकेंगे। अब यहाँ सच्चे पीर की पहचान, सच्चे मुरीद की पहचान, सच्चे मुरीद की पहचान यही है। कहा नहीं रुकेंगे, कहा थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे पीर का वजीफा खत्म हो जाए। लेकिन पीर साहब आँख खोलने को तैयार नहीं है। अब मुरीद मन ही मन में कह रहा है कि आज ही इतना पढ़ना जरूरी था तो दूसरा दिन भी पढ़ लेते। लेके झोला खड़ा है कि जल्दी से हजरत की इजाजत हो कि जाऊं, बस वाला नहीं रुका, बस लेके चला गया, गाड़ी चली गई। मुरीद झोला लेके गुस्सा में खड़ा, गाड़ी गई कि पीर साहब की आंख खुल गई। अब पीर साहब की आंख खुली तो देखा कि गुस्सा में खड़ा है। पीर साहब बोले कि अजमेर जाओगे? एकदम बीपी हाई उसकी। बोला कि हम अजमेर जाएंगे। बोला रे तुम ही ना जाने के लिए कर रहे थे। बोला कि हम अजमेर जाएंगे, हम अजमेर जाएंगे, हम अजमेर। कहा तुम जाना चाहता था ना? कहा कि हम जाएंगे अजमेर, एकदम गुस्सा में बोल रहा है मुरीद। बोला बेटा तुम कह रहा था ना कि अजमेर जाएंगे। कहा चुपचाप रहिए, सीधे सीधे कह देते कि तुमको अजमेर नहीं जाना, हम नहीं जानते, टिकट हमारी बर्बाद हो गई और आप बोल रहे हैं अजमेर जाओगे। पीर साहब को जलाल आया, कहा कि अजमेर जाना चाहता है? कहा कि आप क्या समझ रहे हैं, आप समझ क्या रहे हैं, 4 साल की मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। कहा सुनो, जब अजमेर जाना ना तो मेरा एक खत लेके जाना, गौर से सुनिएगा। और अजमेर शरीफ मजार के बगल में एक पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे एक अल्लाह के वली बैठे होंगे जिसकी दाढ़ी सफ़ेद, चेहरा नूरानी, जिसको देखोगे तो खुदा याद आएगा, मुस्तफ़ा याद आएगा। उसको मेरा खत दे देना, आना तो जवाब लेके आना। मुरीद को और गुस्सा आ गया, कहा हजरत जाएंगे तब ना ये सब होगा, जाने का पता नहीं है तो खत लेके जाना तो जवाब लेके आना। बस बस बस, पीर को भी जलाल आया। कहा अजमेर जाना चाहता है? कहा जी। कहा आंख बंद कर, आंख बंद कर। मुरीद ने कहा कि आंख बंद करे कहीं अजमेर जाता है तो गाड़ी बेकारे ना जाती है। कहा ज्यादा जबान मत लगा, आंख बंद कर। पहला कदम उठाना आंख बंद रखना, दूसरा कदम उठाना आंख बंद रखना, और तीसरा कदम उठा के आंखें खोल देना। मुरीद ने पहला कदम उठाया आंखें बंद है, दूसरा कदम उठाया आंखें बंद है, तीसरा कदम उठा के जब आंखें खोला तो देखता क्या है कि आंखें बंद थी तो फतेहपुर में था, आंखें खुली तो अजमेर में खाजा का रोजा नजर आ रहा। आंखें खुली तो अजमेर में ख्वाजा का रोजा नजर आ रहा है, सामने रोजा पाक है। मुरीद बहुत खुश हुआ, कहा कि अल्लाह ने पीर इतना अच्छा दिया जो 3 कदम में अजमेर भेज दिया, हा मारे खुशी के घूम रहा है। उस अल्लाह के वली के पास गया, कहा लीजिए मेरे पीर ने खत दिया है। उस अल्लाह के वली ने पढ़ लिया, मुस्कुराया, कहा कि जाओ जब आएगा तो यहीं आना, जवाब लेके जाना। मारे खुशी के पूरे अजमेर में घूम रहा है तो बस के ड्राइवर से मुलाकात हुई। बस का ड्राइवर देखा तो करे कैसे आ गया, कहा कि तुम समझो हम कैसे आ गए, अब इसका भाव बड़ा हुआ है। बोला कैसे? बोला बोल रहा था नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, हम आए कि नहीं आए। अब बस वाला भी घबराया हुआ कि आया कैसे,
कहा कैसे आया? कहा तुम नहीं समझेगा, जाओ। कहा थोड़ा बता दो। कहा हम इश्क वाली गाड़ी से आ गए। कहा इश्क वाली गाड़ी कब से खुलती है? कहा बहुत पुरानी गाड़ी है, तुमको समझ में नहीं आएगा। कहा कितनी पुरानी है? कहा बहुत पुरानी। कहा कितनी पुरानी? कहा बहुत पुरानी। कहा कितनी? कहा सुन, इश्क वाली गाड़ी वो गाड़ी है जिसपे सिद्दीक चढ़े तो सदाकत के ताजदार हो गए, उमर चढ़े तो अदालत के साथ सवार हो गए, उस्मान चढ़े तो सखावत के पैकर हो गए, अली चढ़े तो हैदर करार हो गए, हुसैन चढ़े तो शहीद आजम हो गए, अबू हनीफा चढ़े तो इमाम आजम हो गए, अब्दुल कादिर चढ़े तो गौसे आजम हो गए। इश्क वाली गाड़ी वो गाड़ी है जब जब अजमेर के खाजा चढ़े तो गरीब नवाज हो गए। कार है इतनी पुरानी? का तुमको समझ में नहीं आएगा। पूरे अजमेर में घूमा, उर्स खत्म हो गया, अब ये सोच रहा है कि हम जाएं कैसे, अब जाने का तो पता ही नहीं। गया बस वाले के पास, कहा ले जाओगे? कहा बक इश्क वाली गाड़ी से जाओ। कहा किसी तरह एडजस्ट करो। कहा कि बहुत पुरानी गाड़ी है, उसी गाड़ी से चले जाओ, अभी सोच रहे कि हम जाएं कैसे। कहा अच्छा कोई उपाय तो होगा। उस अल्लाह के ओली के पास गया, कहा खत का जवाब दीजिए, मैं घर जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। उस अल्लाह के ओली ने जवाब दिया, जेब में रखा वहीं पे घूम रहा है। अल्लाह का ओली बोला कि तुम घूम काहे रहा रे, तुम जा काहे नहीं रहा? बोला हजरत कैसे जाएं, जाने का कोई पता ही नहीं है। कहा आया कैसे था? कहा चुपचाप रहिए, मत पूछिए कैसे आए थे। कहा आया कैसे? कहा कि ये हमारे अब अंदर की बात है, आप नहीं समझिएगा, जाने का कोई रास्ता है तो लगाइए। तो उस पीर साहब ने जो अजमेर में थे, उस पीर ने कहा कि जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक मैं भेजूंगा नहीं। तो कहा तीन कदम में आ गए थे। कितने कदम में? तीन कदम में। तो पीर साहब ने कहा कि आया था तीन कदम में, वापस कर देंगे दो कदम में। तो ये मुरीद मुस्कुरा के बोला, रही तो हमारे पीर से भी ज्यादा पहुंचा हुआ लगता है। कहा हुजूर जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, कहा आंख बंद करो। कहा हमको पता है आंख बंद करके क्या करना है, लेकिन हम कदम उठाएंगे तो आप भागिएगा नहीं, तो परदेश से मामला गड़बड़ा जाएगा। आंख बंद कर, पहला कदम उठा के आंख बंद रखना, दूसरा कदम उठा के आंखें खोल देना। उस नौजवान ने ऐसा ही किया है, पहला कदम उठाया आंखें बंद थी, दूसरा कदम उठा के आंखें खोला तो देखा क्या कि जब आंखें बंद थी तो अजमेर में था, आंखें खुली तो फतेहपुर अपने पीर के पास आ गए हैं। अपने पीर के पास आ गया। कहा अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब ने कहा कि आ गया बेटा। कहा आप क्या सोचे थे कि इसको भेज के फंसा देंगे? नहीं आएगा, आपसे भी कोई ज़्यादा पहुंचा हुआ अजमेर में रहता है। तो बोले रे तुम तो अजमेर जाके लगता है बिगड़ गया है, अपने पीर पे यकीन और भरोसा रखना चाहिए। कहा आपसे ज़्यादा पहुँचा हुआ है वो, लीजिए अपने खत, लीजिए खत का जवाब लीजिए, गौर से सुनी, खत्म कर रहा हूँ। घबरा रहे हैं क्या? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग घबरा रहे हैं। अच्छा, मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हुआ। हाँ, मुरीद ने कहा कि सरकार लीजिए अपने खत का जवाब। खत का जवाब उस पीर ने पढ़ा तो मुस्कुराया। अब मुरीद टकटकी बांध के अपने पीर को देख रहा है, गौर से सुनो। कहा कि हुजूर एक बात बताइए कि मैंने आपका खत जब उस अजमेर में उस अल्लाह के वली को दिया था तो उसने पढ़ के मुस्कुरा दिया था, और जब मैंने उसका खत आपको दिया तो आपने पढ़ के मुस्कुरा दिया। एक बात बताइए कि मैंने अजमेर में जिसको खत दिया था उस पीर का नाम क्या है, और आपने क्या लिखा था और उन्होंने क्या लिखा है, जरा बताइए।
पीर साहब ने कहा कि चुपचाप रहो, तुम मत ये सब झंझट में मत पड़ो। हमने क्या लिखा था, उसने क्या लिखा, वो झंझट में ना रहो। कहा बताइए ना हजरत। कहा सुन, जिसको तुमने अजमेर में खत दिया वो कोई और नहीं थे, वही तो गरीब नवाज थे। मुरीद की जमीन खिसक गई। कहा मेरा पीर इतना पहुंचा हुआ, जो तीन कदम में अजमेर भेजा और अजमेर वाले का जियारत भी करवाया। आंखों में आंसू आ गए मुरीद के। कहा सरकार आपने क्या लिखा था। कहा मैंने इधर से लिखा था, ओ ख्वाजा अजमेरी, लोगों को अजमेर बुलाना बंद कीजिए, भीड़ लगाना बंद कीजिए, मेला लगाना बंद कीजिए। तो उधर से जवाब आया है, ए मेरे चाहने वाले, जब मेरे एक दीवाने को तुमने 4 साल तक रोका, रोक नहीं पाया, जब एक को तुम नहीं रोक सकते तो हम करोड़ों को कैसे रोकते, हम लाखों को कैसे रोकते। इतना कहा तो मुरीद कदमों में गिर गया और रोने लगा, खूब रोया, खूब रोया। पीर ने मुरीद का हाथ पकड़ के खड़ा किया, कहा क्यों रो रहे हो, रोने का सबब क्या है। तो मुरीद ने कहा सरकार आज मुझको इस्लाम समझ में आ गया है, आज मुझको इस्लाम की अजमत समझ में आ गई है, आज मुझको इस्लाम की हक्कानियत समझ में आ गई है। का क्या समझा, का सुनिए, जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब उनके कदा भर देते हैं शाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। सुनने का मिजाज है, सारे लोग सुन रहे हैं, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा बहुत सारे वाकयात है मेरे पास।